मैं और महाराज मौजूद हैं फतेह मोहम्मद सन्स में। फतेह मोहम्मद सन्स एस्टैब्लिश हुआ था 1866 में, अबाउट 140 ईयर्स हो गए इसको एस्टैब्लिश हुए। बेसिकली इनका हॉर्स राइडिंग का सिस्टम है, आए चलते हैं, पुरानी एजुकेशन है काफ़ी, आज इसे आप एक्सप्लोर करते हैं। इनका कहना है कि 1866 में इन्होंने एस्टैब्लिश हुआ था ये, और 140 इयर्स इनको अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। और आप ये बताएं कि इसको जब आपने एस्टैब्लिश किया तो आपने कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनी, पहले आप किधर से शुरू हुआ, किधर तक आए? सर पहले हमारे बाजार में एक दुकान होते थे, ठीक है, मेन बाजार से थोड़ा सा अजम किया, थोड़ी सी कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट अच्छी दी है, लोग पसंद करते थे, उधर से हमारे जो है ना फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारा नाम है, और सबसे अच्छी गुड्स बना के भेज रहे हैं, अपने कस्टमर को खुश किया होगा। ठीक, आपके कितने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं टोटल? सर हमारे 3 प्रोडक्शन यूनिट्स चल रहे हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट 3। मतलब आपके 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट है और वो अलग अलग है? अलग अलग है। इस टाइम जिधर हम बैठे हुए हैं ये यूनिट नंबर 3 है, और इस यूनिट में कौन कौन सा काम हो रहा है? वेदर इज सुधा तो जो है ना सैडल गुड्स वगैरह बनती है। सैडल गुड्स, ठीक हो गया। सैडल गुड्स आप समझते हैं कि हॉर्स राइडिंग में जो है सैडल गुड्स यूज होते हैं, और आपका जो मेन यूनिट है वो कौन सा यूनिट है? अगर हमारा कभी ज्यादा ऑर्डर बढ़ा जाते हैं वो भी हमारे साथ ताउन करते हैं, ओवर टाइम वगैरह लगाते हैं, हम अपने जो है ना जो अपने लेबर रखे हुए उसको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, बोनस वगैरह उनको दे रहे हैं अच्छे से, उनकी जो है ना जो भी उनका कोई मसला मसा जो सर खुद बाहुबी जो है ना उनसे डायरेक्ट जो है ना सर बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। और आपका कितना सजेशन देना चाहते हैं कि न्यू कमर्स के लिए? न्यू कमर्स के लिए यही सजेशन है हमारी कि आप देखें कि मेहनत करें, जैसे हम भी पहले एक छोटी सी शॉप थी, आज हम लाइक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, वो भी मेहनत करें तो इससे ज़्यादा ये भी है कि वो भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आपको इस फील्ड में आके कुछ लगा हो के कोई उतार चढ़ाव होगा कभी आया हो सर? आपको पता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो कोई नहीं, जिंदगी के साथ साथ सब चलता है, जितना बंदा ज्यादा नीचे गिरता उड़ता है उतना ही उसको ज्यादा इलम होता है। बिल्कुल सर, अल्लाह पे छोड़ दिया है, अल्लाह के कर्मों पर चल रहे हैं, जब तक जिंदगी के साथ कुछ चलता रहेगा ठीक हो गया। और आपका ये क्या टाइमिंग है फैक्ट्री की? टाइमिंग 8:30 से 5 बजे की। 8:30 से 5। ओवर टाइम भी इधर? ओवर टाइम जो खुद अपनी मर्जी से होता है, जिसने ओवर टाइम करना वो ओवर टाइम करता है। तो आपके इसकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रूल्स हैं? 18 साल से कम बच्चे को आप जॉब कर रहे? 18 साल से कम तो कहीं भी अलाउ नहीं है। एम्प्लॉइज कितने हैं आपके यहां जी? वर्कर्स कितने? एम्प्लॉइज आपके इधर कितने? वर्कर्स काफी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 75 के करीब वर्कर्स काम कर रहे थे सिर्फ इस यूनिट। इस प्रोडक्शन टोटल में आपके 1000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम फतेह मोहम्मद के नाम है, अब आसिफ साहब के साथ मौजूद हैं, अब हम इनसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं। हमने तो फॉलो किया अपने बड़ों को, ठीक है, तो मेरे ग्रैंडफादर के फादर जो थे ना वो इसके बानी हैं, तो अभी हम 4th जनरेशन है इस काम को रन कर रहे हैं। सर आप आने वाली जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
जनरेशन का जहाँ तक तलक है उनको तो यही कहूँगा जैसे हम लोगों ने मेहनत की है वो भी मेहनत करें, तो बंदे को मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। सर आपसे बहुत अच्छा लगा मिलकर। हाँ वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।